Happy birthday. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कर जाते हैं. उनको अगर थोड़ा सा भी खुशी हम दे सकते हैं तो हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए. ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ही अनमोल होते हैं और माँ बाप का प्यार उसमें से सबसे ऊपर है. हेलो माय डिवर्स फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं हिंदी में करने वाली हूँ. ऑफ कोर्स इंग्लिश सबटाइटल रहेगा फॉर दोज हु डज नॉट स्पीक हिंदी. ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे बहुत ही सोचना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं कि कैसे एक्सप्लेन करूँ. ये वीडियो मेरे लिए जितना स्पेशल है उतना ही एक्साइटिंग. जिन्हें पता नहीं है उनके लिए बता दूं, मैं US में रहती हूँ और हाल ही में मेरे पेरेंट्स मुझे विजिट करने के लिए आए हुए हैं और कोइंसिडेंटली मामा DIY का बर्थडे भी इसी महीने था. सो मैं उनके बर्थडे पे कुछ स्पेशल करना चाहती थी क्योंकि हर साल मौका नहीं मिलता. मेरे लास्ट वीडियो पे मैं दिखाई थी कैसे मैं उनको एक बर्थडे मेकओवर दी थी और आप वो वीडियो देख सकते हैं. मैं उसका लिंक स्क्रीन पे भी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. आज मैं दिखाऊंगी कैसे मैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करूंगी और उनका रिएक्शन भी मैं दिखाने वाली हूं. तो और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं और दिखाते हैं कैसे मैं ये सब कुछ प्लान की थी. और उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि मेरे हर अपडेट आपको मिलते रहे. मैं हर हफ्ते न्यू वीडियो लेके आती हूँ और ये चैनल बहुत ही मज़ेदार है. यहाँ पे आपको बहुत सारा DIYs, मेकअप और गॉसिप करने को मिलेगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा. योर लव मीन्स अ लॉट टू मी. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं मामा DIY के लिए इस बार एक साड़ी बनाने वाली हूँ और साथ में कुछ और भी सरप्राइज़ है. मेरे पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है और नॉर्मली मैं खुद का एम्ब्रॉयडरी खुद ही करती हूँ और मेरा डिज़ाइन भी खुद का होता है ताकि कुछ इंडिविजुअलिटी रहे. लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग है क्योंकि वी आर मूविंग इन अ कपल ऑफ वीक्स और इसीलिए मैं बहुत ही बिजी हूँ पैकिंग और बाकी सब चीज़ लेके. और इसीलिए मैं एक एम्ब्रॉयडरी लेस फैब्रिक जो कि रेडीमेड है वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की. मैं इस पिंक ग्रे लेस फैब्रिक को ऑनलाइन खरीदी और 5 यार्ड बस 1750 में खरीदी. साड़ीज नॉर्मली 5 यार्ड to 8 यार्ड इन लेंथ होती है. सो दिस फैब्रिक इज परफेक्ट फॉर अ साड़ी. इसका विथ 1.2 meter to 1.3 meter है. सो इसलिए मैं थोड़ा सा काट लूँगी विथ वाइज. वन हैक टू कट अ लॉन्ग फैब्रिक इज़ उसे फोल्ड कर लीजिए जितना स्मॉल हो सके और फिर लेंथ माप के आप काट लीजिए. अगर आप श्योर नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के काट लीजिएगा ताकि बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं. और ऐसे काटने से बहुत आसानी भी होती है और आपका समय भी बच जाता है. मैं अपने हिसाब से मार्क कर रही हूँ. उसके बाद मैं एक शार्प सीजर लेके उसे कट करूँगी. कीप इन माइंड, तो मैं साड़ी के नीचे थोड़ा ट्रिम ऐड करूँगी इसीलिए 3 inches कम करके काट रही हूँ नॉर्मल साड़ी के विड्थ से. मेरे पास ये पिंक सैटिन फैब्रिक पहले से ही था. ये मैं जोएन से खरीदी थी. मैं इससे साड़ी का ट्रिम बनाऊंगी. वेल, आप ऐसा मत कीजिए. आप प्रॉपरली स्केल से मेजर कीजिए. मैं बहुत जल्दी में थी तो ये चॉकलेट बॉक्स को ही यूज़ कर ली एज स्केल. ये बॉक्स 3.5 inches का है. मैं और एक लाइन बनाऊंगी ताकि जब मैं इसे हाफ फोल्ड करके स्टिच करूंगी तब बिल्कुल सही हो जाएगा. मैं 2 pieces काट ली ताकि अगर लेंथ में थोड़ा कम पड़े तो मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा. उसे मैं जॉइन करूँगी सर्जर मशीन से. अगेन मैं ब्लैक थ्रेड यूज़ करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी लगाया हुआ था. आप ऐसा मत कीजिएगा, मैचिंग थ्रेड ही यूज़ कीजिए. आई वॉज जस्ट बींग लेजी. अब मैं इस पिंक ट्रिम को जोड़ूंगी. शाइनी साइड को अंदर की तरफ रख के जॉइन करूँगी.
फिर मैं पिंक ट्रिम को फोल्ड करके नेट फैब्रिक के साथ जोड़ दूंगी। जोड़ने के वक्त नेट फैब्रिक के बैक साइड ऊपर रहेगा। आई डोंट नो, एक्सप्लेन करना बहुत टफ है मेरे लिए। आई एम श्योर आप वीडियो देख के अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर कोई भी फैब्रिक फोल्ड या स्क्वीज ना हो जाए स्टिच करते वक्त। ये वाला सिल्वरी वाइट ट्रिम मैं वॉलमार्ट से खरीदी, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। और ये सिल्वर थ्रेड से मैं उस वाइट ट्रिम को साड़ी के साथ जोड़ूंगी। बाकी का स्टिचिंग मैं ब्रदर का CS6000 आई सीविंग मशीन से करूंगी। मैं 00 स्टिच सिलेक्ट करूंगी और गैप रहेगा 2.5। मैं ट्रिम को ऐसे प्लेस करूंगी कि पीछे का स्टिच ना दिखे, आई मीन पीछे का ब्लैक थ्रेड्स, क्योंकि मैं ब्लैक थ्रेड लेके सर्जरी की थी, जितना हो सके मुझे वो छुपाना है। आप जितने स्पीड में कंफर्टेबल है उतना ही स्पीड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि स्टिचेस स्ट्रेट रहना ज़रूरी है। जब लास्ट तक आ जाए तब बस घुमा के कंटिन्यू कीजिए। अब साड़ी के विड्थ वाइज जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट लिए थे उससे ही मैं पल्लू बनाने वाली हूँ। पहले कोने पे एक फोल्ड कीजिए, बाद में दोबारा उल्टे तरफ फोल्ड कीजिए। ये करना जितना आसान है बोलना उतना ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब मैं सारे फोल्ड्स को नॉर्मल स्टिचेस के साथ सिक्योर करूँगी। तो मेरा साड़ी तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि सिल्वर थ्रेड यूज करने से ये वाइट ट्रिम कितना अच्छा दिख रहा है। और मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं गलती से ब्लैक थ्रेड यूज की थी जरूर, लेकिन वाइट ट्रिम की वजह से ये पूरा कवर हो चुका है। इस पल्लू को मैं ऑफ वाइट थ्रेड से सर्जर की हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये डिजाइन कंटिन्यूअस है। अंदर का एज को मैं पूरा सर्च की हूं ताकि ये कंप्लीट दिखे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो थ्रेड इधर उधर दिख रहा है उसे मैं बाद में काट लूंगी। और ये ब्लाउज बहुत ही सिंपल करके बनाई ऑफ कैमरा। ये भी हैंडमेड है, ये फैब्रिक स्ट्रेच करता है और मैं जोवैन से खरीदी। इसमें थोड़ा शाइन भी है और डिज़ाइन मम्मा डी आई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगता है कि इस साड़ी के साथ ये छोटा सा डायमंड ईयररिंग्स बहुत अच्छा दिखेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मा DIY को सरप्राइज करने के लिए। सो लेट्स डू इट। हैप्पी बर्थडे। व्हाट इज दिस? खोलो। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। उफ।
Oh, thank you very much. Thank you. One more. Very beautiful face. Close your eyes. Open. Banalam to my chunne. Amar chunno. Hatte toiri. Yeah. Puri papri. Very beautiful. Thank you. Yeah, very much. Thank you. Thank you. Thank you. Kushundar. Barun sir. मुझे लगता है कि मम्मा DIY looks amazing with her new saree. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया. अगर आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा और अगर आप कभी किसी को सरप्राइज़ किए हैं तो वो सरप्राइज़ क्या था. प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ता है. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते विद ब्रांड न्यू वीडियो. तब तक के लिए बहुत खुश रहिएगा. बाय.